करना है कुछ काम तो सोच रही हूँ मैं क्या करें आज। वेल, मेरे माइंड में तो कोई ख्याल नहीं आ रहा है। अगर आपके माइंड में आ रहा है तो मुझे बताइए ज़रूर कि आपके माइंड में ऐसा क्या ख्याल आ रहा है जो हम खाली बैठे बैठे कर सकते हैं। चलिए, मैं सोच रही हूँ खाली बैठे बैठे क्यों ना आप लोगों के साथ गेम्स खेल लिए जाए। भाई आइडिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप खाली बैठे बैठे गेम्स खेलने का सोचते हैं तो बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं, आप भी खेल सकते हैं और औरों को भी खिला सकते हैं अपनी प्यारी प्यारी सी पार्टीज में। तो बताइए कैसा लगा आइडिया। वेल, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, इस वक्त हम आ चुके हैं RP1 में, दैट इज रेजेंसी पार्क 1 में, और यहाँ पे हम बच्चों के साथ बहुत सारे गेम्स खेलने वाले हैं। सो विद दिस, यहाँ पे हमारा सबसे पहला गेम शुरू होता है अपने पैर को, एक पैर को बांध कर भागने का। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे इस गेम में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है हमारे साथ। तो जानते हैं इनका नाम क्या है। आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल, आपका नाम क्या है? अनीश। अनीश, और आपका नाम क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत, और हमारा फोर्थ कंटेस्टेंट कौन है? वंशज। वंशज, तो यहाँ पे हमारे पास चार कंटेस्टेंट्स हैं, वंशज, सिद्धांत, अनीश एंड राहुल। सो यहाँ पे हम इन लोगों को 1 मिनट का टाइम देने वाले हैं। सो आर यू गाइज रेडी? आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम मिलने वाला है और आपको वहाँ तक जाकर वापस आना है। अगर दोनों जीत गए तो दोनों को प्राइजेस मिलेंगे, और अगर दोनों हार गए तो किसी को भी प्राइज नहीं मिलेगा। सॉरी। सो गाइज, आप तैयार हो चारों के चारों? ओके, सो यहाँ पे टाइम आपका शुरू होता है अब। Yes guys, come on, you can do it. आपको वापस आना है, टच करके वापस आना है। सिद्धांत और यहाँ पे अनीश, very good. Yes, you can do it. One more round, come on. One more round. No cheating, वापस वहां तक जाना है, उसके बाद आना है। और यहाँ पे मुझे लगता है सिद्धांत और वंशज थोड़ी सी चीटिंग कर रहे हैं। Well, guys, जल्दी आइए। आराम से। ओके, सो, इट्स ओके, कम ऑन। सो यहाँ पे जैसे कि आप सब देख सकते हैं, चारों ने बहुत अच्छा खेला, बिना गिरे वापस आ गए चारों। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अगर कोई आया है तो वो आया है राहुल एंड अनीश। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो विनर्स हैं, तो यहाँ पे एक आपके लिए है एंड वन मोर गिफ्ट मुझे चाहिए, मैं आपको देने वाली हूँ अनीश, डोंट वरी। सो यहाँ पे ये दोनों विनर बन चुके हैं। इसी तरह से बहुत सारे गेम्स आपके लिए और भी हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेकंड राउंड की ओर, जहाँ पे अब हम करने वाले हैं यहाँ पे स्किपिंग। वेल, यहाँ पे मैं स्किपिंग नहीं करूँगी, मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं तो प्यारी प्यारी सी गर्ल्स हैं। जानते हैं इनका नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पर आज ये दोनों स्किपिंग करने वाली हैं। तो आपका नाम क्या है? अंतरा। अंतरा, और आपका नाम क्या है? इतिवा। इतिवा और अंतरा, दो यहाँ पे मेरे पास प्यारी सी सिस्टर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो प्यारी प्यारी सी सिस्टर्स हैं जो यहाँ पे मेरे साथ स्केपिंग करने वाली हैं। तो आप दोनों तैयार हो? यस। ओके, तो सबसे पहले मैं देने वाली हूँ अंतरा को ये रोप स्केपिंग करने के लिए। अंतरा, सबसे पहला चांस आपका है, अगर आपने यहाँ पे विदाउट स्टॉपिंग अच्छे से स्किप कर लिया तो आप हमारे विनर होगे, लेकिन आपको अपनी दीदी से ज्यादा स्किप करना होगा। ओके, तैयार हो? हाँ। एंड विद दिस अंतरा, आपका टाइम होता है शुरू। तो जल्दी से आपको अब करना है स्किप। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओप्स, अंतरा क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप नहीं कर पाए स्किप। तो इसी के साथ यहाँ पे चांस जाता है इनकी बड़ी सिस्टर को, जिनका नाम है इतिवा। तो इतिवा, आप तैयार हो? बिल्कुल।
ओके सो लेट्स सी आप यहाँ पे कितने रोप्स स्किप कर पाते हो. तो चलिए इसी के साथ आपका टाइम होता है शुरू. सो इतिफा यू कैन स्टार्ट विद इट नाउ. 1 2 दोबारा से चलिए एक और चांस एंड ट्राई इट वंस मोर. 1 स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. वेल कोई बात नहीं, आप पूरी तरह से क्लाइम नहीं कर पाए रोप्स को, लेकिन पर आपने जितना भी करा बहुत अच्छा किया. एंड इसी के साथ आपके लिए ये वेल आई होप ये राउंड देखने के बाद आप सभी को आया होगा बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि यहाँ पे दोनों लवली सी सिस्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्किपिंग करने की कोशिश की थी, पर अफसोस एक जीत गई और एक हार गई. भाई गेम में तो यही होता है, एक जीतता है तो एक हारता है, पर कोई बात नहीं. इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे गेम्स मेरे पास हैं आज, तो चलिए आज आपको बहुत सारे गेम्स मैं खिलाने वाली हूँ. पर उससे पहले लेती हूँ यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक. सो वेल यहाँ पे टाइम हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद मैं फिर से हाजिर होंगी और आपके साथ करूँगी बहुत सारी मस्ती. तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 1 मिनट चैलेंज. हे गाइस वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. आप है मेरे साथ यानी कि अपनी दोस्त महक के साथ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है 1 मिनट चैलेंज. वेल आप देख सकते हैं ब्रेक के बाद मेरे हाथ में इतने सारे स्ट्रॉज आ गए हैं. अब स्ट्रॉज आए हैं तो मैं ये सोच रही हूँ यार अगर ये वाला एक स्ट्रॉ मैं अपने बालों में लगाऊँ तो कैसा लगेगा. मुझे लगता है मैं अच्छी नहीं लगूंगी, पर चलिए कोई बात नहीं. यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसा है जो बहुत ही अच्छा लगने वाला है स्ट्रॉज लगाने के बाद. तो चलिए जानते हैं इनका नाम क्या है. आपका नाम क्या है? रेवा. रेवा और आपका नाम क्या है? मन्नत. मन्नत और रेवा मेरे साथ है. तो आप दोनों कौन सी क्लास में? फिफ्थ. और आप? सेवेंथ. और फिफ्थ. ओके सो कॉम्पिटिशन बिल्कुल बराबर का है, बराबर की टक्कर होने वाली है दोनों में. तो दोनों बिल्कुल तैयार हो गया? ओके तो आप दोनों को पता है कि आपको क्या करना है. स्ट्रॉल्स आपको मेरे हाथों में दिख ही रहे हैं. ओके तो यहाँ पे मैं आपको फिर भी एक बार गेम के रूल्स बता देती हूँ. यहाँ पे मैं आपको ये दोनों को स्ट्रॉल्स देने वाली हूँ और दोनों जो अपने बालों में सबसे अच्छी तरीके से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉल्स लगाएगा वो हमारे इस गेम का विनर होगा. रेडी? यस. ओके तो यहाँ पे आप स्ट्रॉल्स ले सकते हैं थोड़े थोड़े. ओके सो यहाँ पे थोड़े से स्ट्रॉज हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं. यू कैन टेक मोर बिकॉज आप जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए. ओके शी इज़ फाइन विद इट. तो चलिए यहाँ पे दोनों ने स्ट्रॉज ले लिए हैं और एक मिनट टाइमर आपका होता है इसी के साथ शुरू. आप दोनों का टाइम शुरू हो चुका है. जल्दी से आप दोनों को अपने बालों में स्ट्रॉज लगाने हैं और हमें देखना है कौन सबसे अच्छे तरीके से लगाता है. जल्दी से लगाना है. रेवा कम ऑन यू कैन डू इट. एक दूसरे को देखना नहीं है, जल्दी जल्दी करना है, जो भी करना है ब्यूटीफुल तरीके से करना है. आफ्टर ऑल भाई अपनी शक्ल का सवाल है, जितनी सुंदर आप अपनी शक्ल को बना सकते हैं इन स्ट्रॉज को लगाकर उतना अच्छा है आपके लिए. वेल मुझे लगता है दोनों में बराबर की टक्कर है. दोनों बहुत ही खूबसूरती से अपने आप को अपने बालों के हेयर स्टाइल को चेंज करने में लगे हुए हैं. पिंक रेड ब्लू ऑरेंज एंड कितने प्यारे प्यारे से स्ट्रॉज यू लगा रहे हैं अपने बालों में. लगाइए वेरी गुड. यस यू गाइस कैन डू इट यार, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो. और इसी के साथ टाइम बहुत ही कम बचा है. 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 1 टाइम अप. स्ट्रॉज मुझे दे दो बाकी के वापस दोनों. सो विद दिस यहाँ पे बालों में स्ट्रॉज लगाने वाला राउंड तो खत्म होता है. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं विनर कौन है, रेवा है या मन्नत है. तो देखते हैं रेवा ने कितने स्ट्रॉज लगाए अपने बालों में. विद दिस हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 14 15 16 17 18 स्ट्रॉज रेवा ने अपने बालों में लगा रखे हैं. तो चलिए यहाँ पे मन्नत आई होप आप यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग कर पाए, कुछ कमाल दिखा पाए, पर मुझे लगता है शायद यहाँ पे स्ट्रॉज थोड़े से कम है. पर चलिए गिनते हैं कितने हैं.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्या कर दिया मन्नत आपने, 4 स्ट्रॉस कम लगाए हैं। तो वो चलिए, व्हेन एल्डर्स आर कोजी, बच्चे डोंट पुट देयर हैंड्स एंड नोज़ की व्हाटएवर। चलिए इसी के साथ यहाँ पे रेवा आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। सो यहाँ पे चलिए अब कुछ और गेम्स आपको दिखाने वाले हैं हम, और वो गेम्स क्या होंगे ये तो आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास तो प्यारी प्यारी सी कंटेस्टेंट्स हैं जो यहाँ पे कुछ करने वाली हैं। वैसे मुझे लगता है ट्रॉफीज इनके सामने है और प्लेट्स और ग्लासेस भी इनके सामने है, तो जाहिर सी बात है इनको कैंडीज बिंगो, मतलब कैंडीज टाइम है भाई, तो इनको कैंडीज को उठा कर इनमें से ग्लासेस में डालना है विदाउट यूजिंग देयर हैंड्स। तो गाइस आप दोनों तैयार? हाँ हाँ। और आप तैयार हो? हाँ। तो चलिए पहले सबसे पहले इनका नाम जानते हैं दोनों का, इन दोनों का नाम क्या क्या है? आपका नाम क्या है? संजना। संजना, और आपका? नव्या। नव्या और संजना यहाँ पे दो मेरे पास प्यारी प्यारी सी कंटेस्टेंट्स हैं जो बिल्कुल तैयार हैं हमारे साथ इस राउंड को खेलने के लिए। पर आप दोनों को ध्यान रखना है कि आपको अपने हैंड्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, कैंडीज को आपको माउथ से उठानी है और उसके बाद उठा के ग्लास के अंदर डालना है। रेडी? ओके। तो यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल तैयार हैं और यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे बीच में लेने वाली हूँ और इन दोनों को अपनी कैंडीज को उठा उठा के अपने ग्लासेस के अंदर डालना है विद दिस। नाउ आप दोनों का टाइम हो चुका है शुरू, जल्दी से अपनी कैंडीज को उठाइए, ग्लासेस में डालना शुरू कीजिए दोनों के दोनों। एंड यहाँ पे नव्या अच्छे से कर रही है, संजना आपकी स्पीड थोड़ी सी कम है, पर वेल कोई बात नहीं, आपको फिर भी करना है अच्छे से। Very good. Well, guys, जल्दी से आपका टाइम इसी के साथ खत्म होने वाला है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and time up. Okay, so जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों की कैंडीज मेरे पास हैं कि इन दोनों ने कितनी कैंडीज कलेक्ट करी हैं अपने अपने ग्लासेस में। तो विद दिस हम नव्या की कैंडी से स्टार्टिंग करते हैं, कितनी नव्या ने कितनी कैंडीज निकाली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and one more is 21. 21 candies हैं नव्या के पास। और यहाँ पे संजना ने कितनी की है, चलिए संजना की काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and this is last 15. So, यहाँ पे मुझे लगता है कि संजना पूरी तरह से नहीं कर पाई है। आप दोनों प्लीज खड़े हो जाइए यहाँ पे। और विद दिस यहाँ पे मेरी विनर है प्यारी सी नव्या। तो नव्या, दिस इज फॉर यू। तो चलिए इसी के साथ और भी बहुत सारे गेम्स मेरे पास हैं अभी बाकी, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ पे फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके साथ फिर से बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, तो आपको कहीं जाना नहीं है, आपको हमारे साथ इसी तरह से बने रहना है क्योंकि ब्रेक के बाद यहाँ पर बहुत सारी मस्ती अभी बाकी है। Hey guys, welcome back after a very short break. आप हैं मेरे साथ यानी कि महक के साथ अपने फेवरेट शो में। So, आज यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस मैं आप सभी को दे चुकी हूँ, बच्चों को दे चुकी हूँ और बहुत सारे चैलेंजेस अभी देने बाकी हैं। तो चलिए इसी के साथ मेरे पास यहाँ पे तीन प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, जानते हैं इन तीनों का नाम क्या है। आपका नाम क्या है? तान्या। आपका नाम क्या है? रब्बानी। रब्बानी, तान्या और आरव। आरव, तो यहाँ पे तीन बहुत ही क्यूट से बच्चे हैं और इन तीनों बच्चों के साथ मैं खेलने वाली हूँ यहाँ पे
put the balls in the basket. बिल्कुल यही राउंड है हमारा, तो आरव यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। आरव का टाइम इसी के साथ होता है शुरू। आरव अपनी बॉल्स को उठा के उसमें डालना स्टार्ट करो। वन, वेरी गुड, गिर गई बाहर, कोई बात नहीं। और इसी के साथ एक और बाहर गई है। डालते रहो, वेरी गुड, कम ऑन आरव, बहुत अच्छा कर रहे हो यार, छोटे से हो फिर भी इतने अच्छे तरह से गेम्स को खेल रहे हो। सो लेट्स सी यहाँ पे आरव कितनी बॉल्स डाल पाते हैं आज बास्केट के अंदर। और आरव क्या कर रहे हो यार, सारी बॉल्स तो आपकी बाहर गिर रही है। तो चलिए जल्दी चलिए आरव, आपके पास अभी भी कुछ बॉल्स हैं, तो जल्दी से इन बॉल्स को उठा के डालना स्टार्ट करो। वेरी गुड, डालो डालो डालो, कम ऑन। लेकिन ये क्या हो रहा है, आरव की सारी सारी बॉल्स बाहर गिर रही हैं। और आरव 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 टाइम अप हो चुका है यार, आपका टाइम अप। आई एम सो सॉरी गाइस, यार आरव आपने बहुत अच्छा किया, बॉल दे दो यार प्लीज मुझे वापस। और यहाँ पे बॉल आरव की यहाँ पे आ गई है, कैसा लगा खेल के? हाँ अच्छा। हाँ अच्छा लगा, तो चलिए हम गिनते हैं आरव ने यहाँ पे कितनी बॉल्स कलेक्ट की हैं इस बास्केट के अंदर। आरव की बॉल्स यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, वन टू नाइन एंड टेन। सो आरव ने यहाँ पे 10 बॉल्स कलेक्ट की हैं। देखते हैं रब्बानी के पास इतनी सारी बॉल्स हैं, रब्बानी कितनी कलेक्ट कर पाती हैं अपनी बास्केट में। रब्बानी आप तैयार हो? बिल्कुल yes. आप तैयार हो तो चलिए इसी के साथ आपका टाइम यहाँ पे होता है शुरू। जल्दी से आपको बॉल्स उठा के बास्केट के अंदर डालनी है। वन बाहर चली गई, दूसरी भी बाहर चली गई है, तीसरी भी बाहर चली गई है। चलो 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 करो, वेरी गुड। क्या कर रहे हो यार रबानी, आप एक भी बॉल नहीं डाल पा रहे हो। चलो फाइनली एक बॉल तो अंदर गई है, पर कोई बात नहीं, और बॉल्स आपको डालनी है, जल्दी से डालना है आपको बॉल्स को। पर अफसोस रबानी आज नहीं कर पा रही है बिल्कुल भी। रबानी जल्दी से क्विक क्विक क्विक, क्योंकि यहाँ पे टाइम आपके पास बहुत ही कम है। 2 बॉल्स रबानी ने अभी तक कलेक्ट की है अपनी इस बास्केट में, और मुझे देखना है और कितनी बॉल्स ये कलेक्ट कर पाती है। और यहाँ पे आपका टाइम बहुत ही कम बचा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रब्बानी का टाइम अप हो चुका है। और आप देख सकते हैं भैया आरव अभी तक हमारे विनर हैं, क्योंकि रब्बानी की बॉल्स हैं सिर्फ 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉल्स रब्बानी ने कलेक्ट की हैं अपनी इस बास्केट में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी थर्ड कंटेस्टेंट यानी कि प्यारी सी तान्या की तरफ। तान्या अब आपका चांस आ चुका है, आप तैयार हो? बिल्कुल yes. सो शी इज सो स्वीट यार। तान्या बिल्कुल तैयार है, और तान्या आपकी बॉल सारी यहाँ पर है जैसे कि देख सकते हो। और तान्या इसी के साथ अपनी बॉल्स को उठा के आपको अपनी बास्केट के अंदर डालना है। ओके तो चलिए आप बिल्कुल यहाँ पे खड़े हो जाइए। तान्या आप तैयार हो ना? बिल्कुल ओके। तो विद दिस तान्या आपका टाइम होता है शुरू। अब जल्दी से आपको अपनी बॉल्स को डालना है। सॉरी फर्स्ट बॉल नहीं गई है, सेकंड बॉल भी नहीं गई है, पर कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट, आप फिर भी डाल सकते हैं, जल्दी से डाल सकते हैं। एक भी बॉल नहीं जा रही है आज तान्या की भी अंदर, पर कोई बात नहीं, कम ऑन। यस यस, वन बॉल फाइनली, दैट्स इन। नाउ सेकंड बॉल इज ऑल्सो इन, एंड थर्ड बॉल शी कैन नॉट पुट इट। और यहाँ पे क्या कर रहे हो तान्या यार, जल्दी से डालो, आपके पास टाइम बहुत कम है, बॉल्स आपके पास बहुत सारी है, जल्दी से आपको बॉल्स को डालना है बास्केट के अंदर। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन कीप इट अप, कर सकते हो और भी अच्छे से कर सकते हो, जल्दी से उठा के डालना है और मुझे देखना है कौन कितने अच्छे से कर सकता है। तान्या जल्दी से बॉल को पिक करके डालना है आपको। 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। मैं भी थक गई, कैसा लगा खेल के? नाइस, मजा आया। तान्या को बहुत मजा आया यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कितनी बॉल्स को कलेक्ट किया है अपनी इस प्यारी सी बास्केट में। 1
टू नाइन टेन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों में टाई हो चुका है आरव और तान्या में, पर चलिए कोई बात नहीं, टाई होने के बाद भी यहाँ पे मेरे पास दो विनर्स बन गए हैं और इन दोनों को हम दे रहे हैं एक प्यारा प्यारा सा गिफ्ट। वेल, आज इतने सारे गेम्स देखकर, इतनी सारी मस्ती देखकर आप सभी को आया होगा खूब मजा और आप सभी का हो गया होगा पेट फुल। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपसे लेना चाहती हूँ विदा, क्योंकि आज के लिए बस मेरे पास इतने ही गेम्स थे और आज के लिए बस इतनी ही मस्ती मुझे आपके साथ करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में और भी बहुत सारे गेम्स लेकर, बहुत सारी मस्ती लेकर वी शैल बी बैक सून। लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको फिर मेरे आने का इंतजार करना है, क्योंकि महक जब भी आती है धमाका होता है और इसी धमाके के साथ आपको फिर से यहाँ पर क्या कहीं पर भी आ सकते हैं और फिर से हमारे साथ बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो व्हाट से, तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब हो चुका है वक्त मेरा आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपकी और मेरी होगी मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा और देखते रहिए जी भारती।